दादरा नगर हवेली वन विभागे आदिवासियों ने फाळवेल प्लॉट पर थी तेमनी हकालपट्टी करी खुला प्लॉट में वृक्षारोपण माटे खाड़ा खोदी वृक्षारोपण की प्रक्रिया हाथ धरी छे। शंगी खानवे क्षेत्र दूधनी पेटलाद मांदोनी पेटलाद आदिवासी भाई बहनों आदिवासी जंगल वन जीवन आंदोलन नेजा हेठ विविध संगठनों ने एकत्र कर विशाल रेली आयोजन कर्यु। संघ प्रदेश वन विभाग की कार्यवाही थी नाराज आदिवासी समाजे खानवेल रेंज फॉरेस्ट ऑफिस खाते आवेदन पत्र आपी आक्रोश ठालवती रजूआत करी हती के तेमने वर्षो पहला सरकारी जंगली जमीन में वसवाट करी गुजरान चलावा माटे आ प्लॉट फाळवेला छे जेमना पर तेमनो हक छे। आ मामले 2018 में आदिवासी समाजे हाईकोर्ट में पिटिशन दाखल करी हती अने 2019 में ते अंगे चुकादो आप्या बाद हजु पण आखी मैटर पेन्डिंग छे। जो कि ते बाद तेनु उल्लंघन करी वन विभाग आदिवासियों ने हकालपट्टी करी प्लॉट खाली करावी रह्या छे अने तेवा प्लॉट में खाड़ा खोदी वृक्षारोपण की कामगिरी हाथ धराई छे जे कामगिरी कोर्टना आदेशनो भंग करे छे। आ मामले आखी मैटर हाईकोर्ट में पेन्डिंग छे अने वचगाळाना चुकादा मुजब आदिवासी समाज पासे थी तेमने फाळवेल प्लॉटनो कब्जो ज्यां सुधी नवो चुकादो न आवे त्यां सुधी लई शकाशे नहीं। हाल आ मामले आदिवासी समाज भाईओ ने बहनों मोटी संख्या में आंदोलन कर रेली स्वरूप एकत्र थई वन विभाग ने रजूआत करी हती। मतलब रेली ने एक हम लोग एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग एक अपना जो वन अधिकार कानून है वो कानून बना तो कानून के लिए हम लोग जो हमारा पट्टा है तो पट्टा में कुछ खड्डे खने जिसे हम लोग हाईकोर्ट में तक गए हैं पेंडिंग है। और दूसरी बात है कि जो ग्राम सभा के सरकार के कायदा कानून में रह के हम लोग किए और फॉरेस्ट वाले को हम लोग आज तक ये नहीं बताए कि हम लोग जैसे जो खड्डे खोदे हैं किसी ग्राम सभा को पता नहीं था और जो FRC कमेटी को भी वो लोग ने पूछा भी नहीं और जिसका जिसका दावा मिला है दावा में भी खड्डे किए हैं और जो पेंडिंग है उसमें भी है और हम लोग को पूरा अभी तक अधिकार मिला नहीं और वो फॉरेस्ट वाले को मनमानी चल रहे थे। मतलब हम लोग उसके वजह से हम लोग को ये निकालना पड़ा। जैसे सभी लोगों का ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में पूरा संगठन है, ये सभी लोग अपने मर्जी से अपना किसी को दबाव में किसी को खरीद के नहीं लाए हैं। ये सब जितने भी पब्लिक हैं वो सब अपने हिसाब से आए और हम लोग फॉरेस्ट वाले से रिक्वेस्ट करते हैं और उसको बोलेंगे क्या दूसरी बार ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जो ग्राम सभा में हम लोग फाइल अप्रूव किए हैं और हाईकोर्ट में भी हमने अपील में गए हैं तो उसके आधार होना चाहिए और किसी को जो खड्डे खोदने जो रिजेक्ट हुए तो उसका रिजेक्ट हमको कुछ नोटिस मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं और जो कुछ काम करते उसका नोटिस हम लोग को मिलता नहीं। बिना नोटिस के फॉरेस्ट वाले आके सब दबान देते हैं। कौन से है वास्ता काम और इधर भी ऐसा भी हुआ है और कभी से पेंटिंग रखा है समाज कल्याण ने फाइल भी रखा है एक एक व्यक्ति का और दावा रखा है और समाज कल्याण ने वेरीफाई किया वेरीफाई करके वो पट्टा भी मिला है और पट्टा 10 एकड़ तो 7 एकड़ 5 एकड़ ऐसा बताया और समाज कल्याण ने फाड़ो नहीं किया है पर जो फॉरेस्ट के किया होगा तो हमको भी पता नहीं है और 10 घंटों 20 घंटों ऐसा और तेने नोटिस दिया तेने दिया तो फॉरेस्ट अभी के बेल बोलता है कहीं 10 घंटों दिया है इतना हमें छोड़ेगा बाकी खड्डा खोदने चाहिए तो खोदा भी अभी खोदा भी इसके लिए हम देरी करना पड़ता है।